एक चैलेंज होगा अगर बस आ जाए इस रोड पर। तो भाई बस आ ही चुकी है। कैफे का नाम है फ्रिका, काफी अच्छा है। ऐसे भी जलंधर तो ताड़े हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने यहीं से व्लॉग ख़त्म किया था, अब यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा बन चुका था। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं जी कसौल और मनिकर। तो यहाँ से डिस्टेंस है जी 80 किलोमीटर। तो चलते हैं जी कसौल की तरफ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸੇਤਾ ਮਾੜਾ ਏ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, वैसे सिंगल रास्ता है। तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। ये रोड बहुत ही ज्यादा छोटा है और इस रोड पर बसें भी चलती हैं, तो एक चैलेंज होगा अगर बस आ जाए इस रोड पर। तो भाई बस आ ही चुकी है। मोड़ के ले भाई ऐसे लोग बहुत तंग करते हैं। देखो पता भी है आगे से बस आ रही है। लारे नीचे लारे पहाड़ से भाई इन लोगों को पता नहीं क्या जल्दी किस बात की होती है। हाँ तो अगर पता है भाई सिंगर रोड है तो क्यों ले रहे उड़ता तीर। सही बात है। ये है जी कसौल से पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जंगल एरिया। तो काफ़ी बढ़िया है जी ये एरिया, पर ये इस यहाँ पर इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं भाई, बच्चे को पकड़ो सरदार जी, बच्चे को पकड़ कर रखो। बच्चे नू फोन दिखाने लगे भाई जो एकदम ये चलती भी रोड इतनी ज्यादा है ना, तुसी देख ही लो खुद। तो ये पूरा बहुत अच्छा एरिया है और ये देखिए आपको सभी प्रकार के फूल मिलेंगे यहाँ पर इस जंगल में। तो हमारी किस्मत देखो, पैसे काट लिए फास्टैग से और ये जाम हो चुका है। कहते हैं तो आप कसौल नहीं जाओगे भाई, क्या किस्मत है। अब ऐसे लॉक खोलेंगे चाबी के साथ। अब खुल जा भाई, खुल जा सिम, पैसे तो काट दिए। ये कौन सा ये संदूक से चाबी लेने गया है। तो अभी हम कसौल तो पहुंच चुके हैं लेकिन हमें रूम नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। तो देखते हैं कोई रूम अच्छा सा मिलता है तो मिलते हैं आपको रूम में। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, होटल बहुत बढ़िया ढूंढा है। बहुत ही हम दूर तक आए 2-3 किलोमीटर पर अच्छी डील मिल गई हमें। हाँ तो ये है होटल, तो पूरा दिखाते हैं। तो ये है जी होटल जो हमने लिया था। तो अभी करते हैं रूम में एंट्री और रखते हैं अपना सारा साजो सामान। भाई आज तो इतना हमने है ना कि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमने पैदल यात्रा बहुत की है, तो दूसरी आज लगभग 100 किलोमीटर तो ड्राइव भी की है, तो पूरी थकावट हुई पड़ी है। तो अभी जाएंगे रूम में, थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, फिर घूमने जाएंगे मार्केट। तो भाई अभी हम आए हैं जी खाना खाने बाहर और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन कसौल। तो हमारी ज़िंदगी तो लड़कियों से दूरी रहती है, तो कसौल आकर करेंगे भी क्या। तो आज तो हम आए हैं जी व्लॉग बनाने, हम तो सिर्फ खाना खाएंगे भाई। हाँ और ये बंदा ना
बार बार इसका ध्यान है कच्छों की तरफ और पजामों की तरफ जाता है और हमें भूख लगी है भाई। भाई बाद में ले लेना, अभी पाया ही है पजामा, तो पजामा पाया है ना। जाना नहीं, साढ़े नाल बह के खाएंगा, देखी हमने फिर हम कहते जानता नहीं उत्थे बह के खाना नहीं अपने नाल। चल कोई ना रेस्टोरेंट से चल जिते खाना, और फिर पजामे आ गए आ रहे। इस बंदे ने शॉपिंग करनी है यहाँ से, तो पहले ढूंढते हैं जी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। ये कसौल की मार्केट वो देख लो सामने वाला कैसा, तो चेक कर ला। तो इस कैफे से ट्राई करने लगे हैं, कैफे का नाम है फ्रिका सोल। तो ये बैठा ट्राई कर रहा है जी सैंडविच, तो अभी हम भी ट्राई करते हैं सैंडविच। वेज सैंडविच है ना? यस, प्योर वेज। तो इस कैफे से हमने सैंडविच ट्राई किया था और यार क्या बढ़िया सैंडविच है। तो सिटिंग प्लान भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप आना चाहते हैं कसौल तो इस कैफे सैंडविच जरूर ट्राई कीजिए जी। तो अभी चलते हैं कहीं और कुछ अलग खाते हैं आज। तो बाहर यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम स्पेशल मफरल और ग्लव्स लेने आए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। अगर दिसंबर में आ रहे हो तो पूरी तैयारी से आना। तो ये देखो जी क्या डेकोरेशन की है, ये कसौल की मार्केट है। तो यहाँ पर कैफेज को इतना डेकोरेशन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर लोग ही ज़्यादा आते हैं, फैमिली वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। तो भाई यहाँ तक ख़त्म है, एक साइड तो हमने फिनिश कर दी। तो कसौल की मार्केट में क्रिसमस से पहले काफ़ी ज़्यादा रौनक, तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप न्यू ईयर या क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो कसौल में आ जाएं, अगर आप यंगस्टर हैं तो। तो ये आके कैफे देखो कितने ज़्यादा अच्छे बनाए हुए हैं, सेटिंग प्लान भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं जी कॉफ़ी। तो कुछ ऐसा था हमारा रूम, काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन। तो पूरे ट्रिप पर हमें रूम तो काफ़ी अच्छे मिले हैं अभी तक। और ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है। तो यहाँ से व्यू तो इतना ख़ास नहीं है वैसे, ये देखिए क्योंकि ट्रीज हैं इस वजह से, इस साइड है रिवर साइड है। तो अभी चलते हैं जी रिवर साइड, और ये मुकुल है जी जो चाय पी रहा है। ये सुख सर हैं जी, सुख सर। तो ये हमारा होटल था, तो यहाँ पर लगी थी हमारी कार पार्किंग। तो हमने चेकआउट तो कर लिया है और सामान भी गाड़ी में रख लिया है। तो अभी इस साइड है रिवर साइड, इस साइड तो देखेंगे कि देखने के लिए क्या है रिवर साइड पर, और दिखाएंगे आपको रिवर साइड का व्यू। चाचा अच्छी नींद आई? ओ चाचा जी अच्छी नींद आई? वेरी गुड नींद, वेरी गुड नींद, हाँ गुड नींद, गुड नींद। अबे सूरज देवता तू कहाँ बीच में आ रहा है हमारे। तो देखते हैं आगे व्यू अच्छा मिलता है।